नमस्कार साथियों, मैं विशाल गुप्ता, विशाल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज ईद एवं परशुराम जयंती की हार्दिक बधाइयां, और मैं इसी जयंती पर एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं जो आपके एग्जाम और क्लास 9 और 10th के बच्चों के लिए काफी बेहद साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये पॉलीनोमियल चैप्टर है और ये जो है क्लास 9, क्लास 10 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, पहले क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, द पॉलीनोमियल 2x³ + x² - ax + 2 एंड 2x³ - 3x² - 3x + a व्हेन डिवाइडेड बाय द x - 2 लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। देखिए क्वेश्चन बोला कि आपके पास जो है पॉलीनोमियल दिया हुआ है, जो कि पॉलीनोमियल का आप बनाते होंगे। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक का बताते हैं कैसे तो जल्दी बना सकते हैं। ये जो पॉलीनोमियल है ये आपका क्या डिवाइडेड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो x - 2 इसका फैक्टर है, क्या है इसका फैक्टर है। देखेंगे यहां पर इसको बनाने के से यहां देखेंगे px = 2x³ + x² - ax + 2। ठीक है, एक और इसके आगे दिया हुआ है, ये हमारा जो है ये qx है, क्या है qx दिया हुआ है, ये है 2x³ - 3x² - 3x + a दिया हुआ है। अब देखिए इसका फैक्टर जो दिया हुआ है, इसे बोला गया कि रिमाइंडर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए रिमाइंडर सेम होना चाहिए। इसकी फैक्टर जो दिया हुआ है इसको हम लोग gx कहते हैं, क्या कहते हैं gx = x - 2। अब देखिए यहां इस gx क्या करते हैं, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू हमारा कितना होगा 2 होगा। ये जो 2 की वैल्यू आती है हम क्या करेंगे px और qx में पुट करेंगे। ऐसा पुट इसलिए करेंगे बच्चों ताकि पुट करने से क्या होगा हमारा a की वैल्यू निकल सकता है। क्वेश्चन में क्या निकालना, a की वैल्यू फाइंड करना है, जिसके कारण हम इस x की वैल्यू हम इक्वेशन के यहां px और qx में पुट करने वाले हैं। देखेंगे कैसे पुट करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए यहां px है, यहां पर पुट कर दिए हम, यहां रखेंगे 2 × 2 का क्यूब हो जाएगा ये प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a x है, इसमें क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या 16 हो जाएगा प्लस 4, यहां a होगा बच्चों क्योंकि यहां पर क्या लिखा है a x है, तो a की x की वैल्यू 2 रखें और a हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2a प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20 और 22 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 22 माइनस 2a हो जाएगा माइनस 2a। आप इसमें क्या कर लीजिए इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, आप इसे इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब इसी तरह से इक्वेशन 1 को हम यहां पर फिलहाल रख देते हैं। देखिए इक्वेशन 1 का जो है आपका 22 माइनस 2a, ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है ना, इस पे जगह ना होने के समान से इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम फिर qx की वैल्यू निकाल सकते हैं। qx वैल्यू पे निकाल के क्या करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपस में कंपेयर करें, ये क्वेश्चन में बोला क्या है ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, इसलिए देखेंगे यहां पास हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब हम qx निकाल रहे हैं, अब क्या निकाल रहे हैं qx, देखेंगे qx = क्या दिया हमारा, q की जगह x की जगह वैल्यू कितना रखना है 2 रखना है, 2 रख दिए हमने, यहां पर देखेंगे 2 × 2 का क्यूब माइनस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस a। ठीक है, बैठ गया बच्चों क्वेश्चन पे, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 12 माइनस 6 प्लस a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से, 12 माइनस 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट आएगा 4 आ गया आपका, ये जो 4 में से क्या करेगा 6 माइनस होगा तो माइनस 2 प्लस a बचेगा, इसको आप इक्वेशन 2 मान लेंगे। थोड़ा सा देख सकते हैं शेप को, थोड़ा सा समझ में आया माइनस 2 के किस ऊपर, हां आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे गिवन यहां पे लिखेंगे, देखिए बच्चों यहां गिवन में हमें क्या बोला है कि जो px है वो क्या है qx के इक्वल है, तो आज दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है तो हम दोनों पे क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे। देखिए px हमारा कितना है, px को हम यहां रखे थे लिखकर, तो ये 22 माइनस 2a इक्वल टू qx कितना आया है माइनस 2 प्लस a आया है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे अगर ये 22 है तो इधर माइनस 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे इधर माइनस से आगे तो प्लस होगा 24 हो जाएगा, ये देखेंगे माइनस 2 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब यहां से बच्चों देखेंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a =
24 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहां से हमारा क्या होगा a की वैल्यू 8 फाइंड हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गया 8 आ गया। तो हम इस तरह से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए बच्चों देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इससे पिछले क्वेश्चन में देखे थे आप सिर्फ a की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट पॉलीनोमियल a x cube minus 10x square minus ax plus b is the accepted interval by x minus 1 as well as x minus 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, यहाँ पे तो bx है एक ही है और दो दो gx है, ये दोनों gx क्या कर रहे हैं इस पॉलीनोमियल के क्या है फैक्टर हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे a और b फाइंड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे px को। देखेंगे यहाँ पर जैसे px लिखेंगे हम तो हमारा जो px हो जाएगा x cube minus 10x square plus ax plus b, ये हमारा px है। अरे इसको आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं डिपेंडेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको डिपेंडेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। px is equal to x square minus 10x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा डिपेंडेंट है। जी एक्स दो दो दिया है, जो दोनों जी एक्स है इसके क्या कर रहे हैं फैक्टर है। पहला देखेंगे आप, पहला जी एक्स देखेंगे, ये पहला जी एक्स हमारा है, जी एक्स जो दिया हमारा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है वन आ गया हमारा। इस वन की वैल्यू पहले हम क्या करेंगे इस जगह पे पुट करेंगे, वन की वैल्यू यहां पुट करेंगे। चलिए वन की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं हम लोग, तो पी एक्स इज इक्वल टू वन का क्यूब माइनस टेन स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप बच्चों, यहां होगा वन माइनस टेन ए प्लस बी, और इसको सॉल्व और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे थोड़ा एक्सटेंड करते क्या होगा माइनस नाइन ए प्लस बी। आप इसको वन मान लेते हैं क्योंकि पहला ये फैक्टर से निकला है, दूसरा जीएक्स भी निकाल लेते हैं, तो इसको वन मान लिए। इसे हम साइड में इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि लास्ट में इसको फिर रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है माइनस नाइन ए प्लस बी, ये हमारे इक्वेशन वन है। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरा जीएक्स क्या हमारा दिया हुआ था एक्स माइनस टू, तो यहां दिया हुआ है सेकेंड जीएक्स x माइनस टू, दोनों सब क्या है ये दिखाना चाहता है कि ये जो है x माइनस टू इसका क्या डिजिबल है, डिजिबल है। तो देखेंगे यहां से आपका x की वैल्यू कितना आ जाएगा इक्वल टू जीरो, इट मीन x की वैल्यू कितना गया 2। अब ये 2 की वैल्यू जो है हम यहाँ px में क्या करेंगे पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं px पे हम वैल्यू, तो यहां जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 10 है, और वहां 2 की वैल्यू 4 कितना हो जाएगा 40 प्लस यहां पे ax है, इट मींस क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा प्लस b। मे बी आपको समझ में आ गया होगा कैसे अरेंज किए हम, ठीक है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, यहां से देख रहे हैं a हो जाएगा माइनस 32 प्लस 2a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इक्वेशन वन लिख कर सकते हैं, सॉरी इक्वेशन टू, ठीक है ना। इक्वेशन टू लोड करने से पहले क्या करते हैं कि इसके नीचे जो जीरो छिपा हुआ रहता है ऑलवेज आपको पता ही है, 32 को हम उस तरफ भेज देते हैं, 32 को उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2a plus b is equal to 32, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। इसी तरह से यहां भी देख रहे हैं जो ये माइनस है उनको फालतू दिख रहा है, इसलिए हम इस फालतू वाले चीज को उधर भेज देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा a plus b is equal to प्लस नाइन हो जाएगा, इक्वेशन वन था हमारा, ठीक है ना। इसको मानने करेंगे, इसको इलेट कर लेंगे। अब देखिए हमारा एक आ गया, यहां से तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कर रहा है, तो ए बी की जब भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं आप, तो आप इक्वेशन वन इक्वेशन टू को क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। माइनस करने से आपको क्या होगा ए या बी की वैल्यू फाइंड होगा, उसके बाद आप इक्वेशन वन या टू में पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारे इक्वेशन टू भी बचल गया और वन भी बचल गया, तो हम क्या करते हैं यहां पे यहां लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो यहां पे देखिए बच्चों कि पहले तो हम क्या करते हैं इक्वेशन टू देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू लिखे हैं, इसलिए 2a plus b is equal to 32 है। इक्वेशन वन हमारा कितना दिया हुआ है a plus b is equal to 9 है। अब इसको माइनस कर क्या कर रहे हैं माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा b भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। यहां क्या हो जाएगा 2a में से a चला जाएगा, क्या बचेगा a बचेगा, और यहां 32 में से 9 जाएगा कितना बचेगा
बोलो कितना बचेगा। डी की वैल्यू को हमें इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में रखना है, तो हमने क्या किया था, इक्वेशन वन में रखा था, इक्वेशन वन में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 23 कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो 23 जैसे करेंगे 23 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 9 में से 23 माना जाए तो -14 आएगा, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, पूरी तरह से करेक्ट हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ।